और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज छठा दिन है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर रूस के हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में उथल पुथल मची हुई है। अब तक कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में कई देशों ने आगे आकर यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया है। विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद भेजी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत लगभग 28 देशों ने यूक्रेन की मदद करने पर सहमति जताई है। चलिए आपको बताते हैं किस किस देश ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश दिया है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन की मदद भेजी जाए। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता में बख्तर रोधी उपकरण, छोटे हथियार और बहुत तरह के गोला बारूद दिए गए। जर्मनी, जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भेजने का ऐलान किया है। इस दौरान जर्मन चांसलर की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि रूसी हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम यूक्रेन को पुतिन की हमलावर सेना के खिलाफ बचाव में मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बेल्जियम, बेल्जियम ने रोमानिया में 300 सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है और साथ ही वो यूक्रेन को मशीन गन भी भेज रहा है। स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता दे रहा है। भारत, भारत सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि यूक्रेन को मानवीय मदद जैसे दवाइयां भेजी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $75 मिलियन देने का ऐलान किया है। पोलैंड, रूस के साथ छिड़े युद्ध में पोलैंड ने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। नीदरलैंड, यूक्रेन की मदद करने के लिए नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजेगा। नीदरलैंड की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि यूक्रेन को 200 हवाई रक्षा रॉकेट उसकी तरफ से मुहैया कराए जा रही हैं। इससे पहले राइफल, रडार सिस्टम, माइन डिटेक्शन रोबोट समेत कई उपकरण पहले ही भेजे जा चुके हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन की तरफ से लॉजिस्टिक ऑपरेशन में मदद की पेशकश की गई है। फ्रांस, फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो देने की बात कही है, साथ ही सैन्य उपकरण मुहैया कराने का वादा किया है। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य ने यूक्रेन को $85 लाख के हथियार और गोला बारूद भेजने का वादा किया है। चेक रिपब्लिक रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वो यूक्रेन की आगे भी मदद करता रहेगा। इन सब के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि 28 देशों ने उन्हें हथियार देने का वादा किया है ताकि यूक्रेन रूस का सामना कर सके। बहरहाल अब देखना होगा ये युद्ध किस स्तर तक जाता है, क्योंकि एक तरफ रूस मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी कई देशों ने मदद करने का फैसला कर लिया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।